तो भाई बारबेक्यू मील इन अ बॉक्स वेज प्रीमियम कुछ ऐसी लगती है पांच भाई। पांच हाँ पांच वही 5 out of 10। पूरा उसके बाद मैं तो भूल भी गया क्या क्या खाया। याद करूँ गजब बहुत मस्त। और थोड़ा सा प्याज और हरी चटनी हो और उसमें घी डाल के खाओ। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मकबैंग। भाई बहुत बहुत मतलब अत्यधिक रिक्वेस्ट आई थी कि बारबेक्यू की नेशन मील इन अ बॉक्स वेज पे वीडियो लाओ। मतलब सभी वेजिटेरियन इस चैनल पे भाई इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इस मील इन अ बॉक्स वेज के लिए कि मेरे प्रीवियस मकबैंग में भी इसके लिए रिक्वेस्ट आ रखी कि भाई इस पे लाओ मकबैंग। मैंने कहा क्यों नहीं, आप बोलो हम हाजिर करते हैं। और हाँ, आज की वीडियो में भानु भैया भी रहने वाले हैं क्योंकि अगेन बहुत सारे मकबैंग्स में यही बोला जाता है भानु भैया रॉक्स, भानु भैया रॉक्स। हमने कहा वीडियो में बैठो फिर। सालों बाद मैंने इतने सारे आइटम्स एक साथ मकबैंग में रखे होंगे, मजा आने वाला है आज की वीडियो में, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई ये है अपनी बारबेक्यू मील इन अ बॉक्स वेज प्रीमियम, सामने से कुछ ऐसी लगती है। तो सबसे पहले अपने पास स्टार्टर में है दही कबाब, ये 2 रोज दही कबाब की है। इसके बाद है वेज शमी कबाब, दोनों रोज उसी की है। ऊपर से इसके रख रखे हैं वेज फिंगर्स, 3 पीस इधर हैं और 3 पीस यहाँ साइड में रखे हुए हैं। इन्हीं के ऊपर है अपने ये ट्राइंगल शेप वाले चीज़ ट्राइंगल्स, 3 पीस यहाँ हैं और 3 पीस इधर पीछे रखे हुए हैं। जिसके साथ है अपना कॉर्न का एक स्टार्टर का आइटम जो आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, पहले कभी नहीं किया। वहीं पीछे की साइड है अपना पनीर टिक्का स्टार्टर में और ये थी सिम्बा की आवाज़। हाँ क्या हुआ माऊ, चुप हो जा। रोस्टेड पाइनएप्पल क्रिस्पी कॉर्न, ये इस मील बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, मैंने इसलिए मंगा रखा है क्योंकि मुझे इनका ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में अपना वाइट सॉस पास्ता, अगेन मील बॉक्स में ये नहीं है, ये मैंने अलग से मंगा रखा है। पनीर बटर मसाला दिखने में बेहतरीन लग रहा है, आई एम श्योर कि ये टेस्ट में भी बेहतरीन होने वाला है। इसके बाद है अपने पास मिक्स वेज, पीछे की साइड है अपनी दाल मखनी जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद आ जाती है अपनी सफ़र दम बिरयानी वेज, अंगूरी गुलाब जामुन चोको फज एंड मूंग दाल हलवा, तीनों ही भाई दिखने में बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लग रहे हैं। अब फटाफट से बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें भानु भैया को बुलाते हैं और करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। इनको सैलेड भी बहुत मस्त लगता है, इनका सैलेड बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स। भाई भाई मैं कर रहा हूँ अपना वाइट सॉस पास्ता से स्टार्ट क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत बेकार हो जाने वाला है। चलो भाई, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। चटनी ये क्या है भाई, चीज ट्राइंगल छोटे समोसे, चीज ट्राइंगल इनका नाम, और इसमें चीज भरा हुआ है क्या इसमें? चीज भरा हुआ है भाई, मशरूम कॉर्न ब्रोकली सब कुछ डाल रखा है इन्होंने, बढ़िया। जो पास्ता स्पेशलिस्ट है उनसे अपन इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह बोलूँगा, मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा है, मतलब सूख गया इसलिए जम गया वरना अच्छा हो रहा है। अब ये भानु भैया ने ट्राई कर लिया, कैसे हो रहे हैं भाई? अच्छा भाई, चटनी कहाँ का ना चीज, वो नीचे हो जाओ सिम्बा, एक्चुअली घर में कोई है नहीं तो उसे ऐसे अकेला नीचे छोड़ नहीं सकते। वाय हाय हाय हाय, लेट्स सी कैसा हो रहा है चटनी के साथ। अरे इनकी एक और थी यार, मैं तंदूरी में है ना, बड़े होना ले। नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, मुझे तो ये एज इट इज ज़्यादा अच्छे लगे। भुट्टा ऐसे टेस्ट करके देखते हैं, ऐसा पूरा नहीं खा सकते, मेरे को पूरा खाने वाला था।
तो प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, पता नहीं किस चीज़ का, जो भी है अच्छा है। अच्छी बात यह है सब कुछ आपको एक मील बॉक्स में मिल जाता है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज यही आइटम अलग अलग मंगाओगे, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है, खाई भी नहीं जाती। नो प्याज नहीं चाहिए मुझे, हरी मिर्च चाहिए। पनीर टिक्का, पनीर टिक्का देख लेते हैं। पनीर टिक्का में जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो भी बेस्ट लगता है। बचा है क्या दूसरा है? हाँ बहुत है। हाँ तो तू तो खा ले बहुत, मतलब आप जो अच्छे पनीर टिक्का से एक्सपेक्ट करते हो वो सब है इसमें। स्मोकी फ्लेवर, मसालों का फ्लेवर जो भी मैरिनेशन में इसको किया गया है, हल्के से बर्न्ड कैप्सिकम, बढ़िया। इट इज गुड। पनीर बचा? आपने बोला बाकी खा लें, मील बॉक्स के अंदर डाल दो। देखो भाई कॉन्सेप्ट वीडियो का कुछ ऐसा है, एक आइटम पे रहेंगे, फिनिश करेंगे, साइड करेंगे, ताकि बचे ना, वेस्टेज कम से कम हो। पहले ऐसे टेस्ट करके देख लेते हैं फिंगर्स। एवरेज है, एवरेज है। इसमें कैबेज की फीलिंग है, इसमें कैबेज ही है ना? कैबेज ही है। तेल का टेस्ट आ रहा है आपको? आई डोंट नो, तेल का एक इसका है बट थोड़ा अलग सा टेस्ट आ रहा। मुझे स्प्रिंग रोल वाले पसंद आते हैं जिसके अंदर चाउमीन भरी होती है। एवरेज, मतलब ऐसा भी नहीं कि बेकार हो रहा है, खाने लायक अच्छे हैं, मतलब अब तक का सबसे वीक है। हाँ मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा कि ना भी हो तो भी चलेगा यार। वेज शमी कबाब, वेज शमी कबाब होता कैसे अंदर से, उसके अंदर क्या है ऐसा? टिक्की है वही है, सिंपल आलू है, धनिया है। अच्छा बहुत हैवी आ रही है और स्पाइसी है यार ये। एकदम मतलब नॉर्मल इंग्रेडिएंट से बना रखा है बट टेस्ट थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी की साइड है, फ्लेवरफुल, बढ़िया स्पाइसी हो रहा है। अच्छा मतलब चटपटा वाला भाई। अभी दही कबाब दे दो मुझे, शम्मे कबाब नहीं खा रहा मैं, और हैवी है, बहुत हैवी हो जाएगा अभी, इतना सारा आइटम है। दही कबाब, दही कबाब, दही कबाब। ये इसी का स्वीट वर्जन है, बहुत मस्त लग रहा है। वही वही स्वीटनेस हमको बहुत टेस्टी लग रहा है, ये अच्छा। स्टार्टर में बचा है कुछ? पाइनएप्पल बचा है ना, रोस्टेड पाइनएप्पल इनकी यूनिक सेलिंग डिश जो हमेशा बढ़िया होती है। बट इसका पाइनएप्पल भी अच्छा होना चाहिए। ये पाइनएप्पल अच्छा, मस्त स्वीट पाइनएप्पल है। बढ़िया खट्टा, वाह मेरे में खट्टा वाला नहीं आया। मैं वहाँ चट खट्टा बट अच्छा वाला, मैं दही कबाब से बेटर बोलूँगा शमी कबाब, प्रेफरेंस पे बट हो दोनों बढ़िया रहे। क्रिस्पी कॉर्न पे आए, ये भी भाई इनका यूनिक सेलिंग डिश, मेरा तो वन ऑफ फेवरेट। मुझे जिस चीज़ का डर था वो भी हुआ, थोड़ा सा सौगी हो गया। वहाँ था ना गर्मा गर्म करारे, आए हाय इसमें दिखाया, शक्ल देखो जरा क्या बेहतरीन लग रहा। ये आइटम वही खाने वाला, इसलिए शायद इन्होंने इंक्लूड भी नहीं कर रखा है। हमने अलग से, मैंने अलग से ऑर्डर किया है। 10 में से रेटिंग करते हुए चलते ना, सबसे कम मेरे को लगा स्प्रिंग रोल 5, 5 5 आउट ऑफ 10 नहीं है वो स्प्रिंग रोल। उसके बाद मैं तो भूल भी गया क्या क्या खाया हमने। यहाँ कहीं से स्टार्ट किया था, समोसा पहले खाया था चीज़ टाइम पहले नहीं खाया था हमने, पहले कुछ और खाया था हमने, स्टार्ट किया था और क्या था स्टार्टर में,
पास्ते से स्टार्ट किया था, पास्ता पास्ता मेरे लिए स्ट्रॉन्ग 7.5 था. मैं भी वही. उसके बाद हमारे चीज ट्रायंगल में अच्छी चीज से 7 मैं दूंगा क्योंकि टेस्ट वाइज वो बढ़िया था. बट हाँ फिर और ये सब क्योंकि ठंडे भी हो गए, गर्म में ऑटोमेटिकली मैं 8 पॉइंट ऐड कर लो क्योंकि वो चीज बर्स्ट. ठंडे इसलिए पैकिंग में नहीं, पैकिंग से खोलते तो गर्म ही था, वो थोड़ा टाइम लग जाता है कवर करने में, लगाने में, शूट करने में उस समय. और आसू सिम्बा भी था, आजू बहुत प्रॉब्लम हुई लगाने. भुट्टा 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 एवरेज था बट उससे इतना सही बना दिया मेरे हिसाब से तो उसको भी 7.5. बिल्कुल 7.5 बनता उसका. सिम्बा तेरे को 10 नंबर देंगे, चल तू अभी चुप हो जा. फिर हमने खाया शमी कबाब, इट वॉज 8. हाँ 8 स्ट्रॉन्ग 8. दही कबाब मेरे लिए 9. मेरे को तेरे को तो मगर शमी कबाब ज़्यादा अच्छा लगा भाई. इनोवेशन के लिए यार मैंने और भी जगह के दही कबाब खा रखे बट उसमें मैं फर्स्ट टाइम खाया एक्चुअली. मुझे लगता है अजीब सा, ये मेरे को परफेक्ट लगा, बैलेंस्ड, बहुत टेस्टी था. पनीर टिक्का 7 एवरेज, 7, 7.5 मेरे तरफ से. इसको मैं रेट नहीं करूंगा क्योंकि हमने जबरदस्ती मंगाया, वो देते भी नहीं उसमें, और वहाँ तो ये भाई 10/10 होता है. एक ही और एक केजुन पोटैटो. केजुन पोटैटो. सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे. नेक्स्ट तो है उसका आउटर कवरिंग जो है, मसाला जो, वो सब टेस्टी हो रहा है. आ जाए मेन कोर्स में. और क्या भाई बीच में और कुछ है क्या? अभी तो खाना खाया यार, इसमें इतना मैं जितने पेल के खाया हर मतलब आधे घंटे में ठूस रहा है. ये सब नहीं देंगे तुझे, तो पनीर. 3 लच्छे पराठे इसमें आपको मिलते हैं. शक्ल देख लो भाई इनकी, बेहतरीन लग रहे हैं. पनीर बटर मसाला, हाय 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 हाय, काश वैसा ही हो जैसा मैं सोच रहा हूँ. और नॉन वेज मील वाला जिसने वीडियो देख रहा है वो समझ गए होंगे मैं कैसा उम्मीद कर रहा हूँ इसे. गजब, बहुत मस्त. अरे बटर मसाला है ना, टेस्टी ग्रेवी, बहुत टेस्टी. पनीर भी बहुत सॉफ्ट है, ओवरऑल बहुत टेस्टी लग रही है. थोड़ा सा वो है, स्वीट है, मगर वैसा वाला रिच वाला स्वीट नहीं है कि एकदम से खा के अजीब हो जाए वो, जैसा अपना मलाई कोफ्ता वगैरह में होता. बेहतरीन. मुझे और चीज़ बहुत पसंद है, पता नहीं वो मैं बता नहीं सकता क्या है क्या है. ना ज़्यादा स्वीट ना ज़्यादा स्पाइसी. मुझे कहीं कहीं मिलता है ये, जब एकदम रेस्टोरेंट में या ढाबों में खाओ ना, वैसा टेस्ट है इसका. भाई बिल्ली की आवाज़ सुन के मैं सोचना कि उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया. वो छोटा है इसलिए उसको समझ नहीं आता, वो हमेशा भूखा रहता है. उसको अपने से पहले दे रखा है और बहुत छक पक करके दे रखा है. सुबह से पता नहीं कितना खिला दिया उसको. वेट फूड दोनों ही खिला दिए. आए हाय भाई, दिखने में बेहतरीन, टेस्ट में बेहतरीन, अरोमा में बेहतरीन, परफेक्ट. बहुत टाइम से ऐसा पनीर खाया ही नहीं है. ऐसा नहीं कि अच्छे पनीर ही नहीं खाए, अच्छे होते हैं, बस ये जो यूनिक टेस्ट है ना मेरे को बहुत पसंद है. क्या बात कर रहा, किस चीज़ का आराम अभी तक पता नहीं लग पा. आगे बढ़े क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा राइस के साथ बोलने वाला. नहीं राइस के साथ मैं नहीं खाऊंगा, मैं एंड में खाए माऊ तू देखते कैसा है. आलू भी है. अब मेरे को एक दो चीज़ें पकड़ में आ रही है जो मेरे को अच्छी क्यों लग रही है. जो तड़के का फ्लेवर आ रहा है ना, एक तो वाला आ रहा है जो सूखी लाल मिर्च होती है ना उसका जो तड़का मारते हैं ना, और प्लस इसमें साबुत धनिया डाला हुआ, मेरे को साबुत धनिया इतना अच्छा लगता है ना, उसका तड़का मारा हुआ इसमें, इतना टेस्टी लग रहा है ना. अभी तक ये जो दोनों मेन कोर्स के आइटम ट्राई करें, ये दोनों ना एग्जैक्टली वैसे हो रहे हैं जैसा अपन पर्सनली किसी भी रेस्टोरेंट या ढाबे में घुसने से पहले एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार ऐसा हो. एग्जैक्ट वैसे हो रहा है, हल्का सा स्मोकी फ्लेवर और बाकी एक एक इंग्रेडिएंट का आपको टेस्ट आ रहा है. मतलब रेस्टोरेंट में कैसे मिलता, बहुत ज़्यादा वो मगज और कैशू की रिच ग्रेवी बना देते हैं, टेस्टी लगता है नो डाउट, उब जाते हैं. ढाबे में बहुत स्पाइसी बनाते हैं, तेल वाला बनाते हैं, ये भाई बिल्कुल बीच का और परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना के दोनों चीज़ें, मतलब एवन मज़ा आ गया. हरी मिर्च बीन्स है, सब्जियाँ बहुत तरीके की सब्जियाँ सही में मिक्स हो जाओ लिटरल. हरी मिर्च को नहीं खाना.
मैं तो हर बाइट में साबुत धनिया आ रहा, मजा आ रहा मुझे। नान भी इस मील बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, अलग से मंगाई है। ओह माय गॉड, इसमें तूने लिखा होगा पक्का। हाँ, और तूने दो मंगाई है भाई, एक आपके लिए एक मेरे लिए, मेरे को लगा तीन वो कम पड़ेंगे। भाई मैं ले लूँ ना दाल मखनी। बहुत ही ज़्यादा मासूम दिखने वाला नान सहमा हुआ। दाल मखनी बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी है, देखते कैसी है। वैसे उसी में ट्राई करना चाहिए मुझे। टेक्सचर भाई इस दाल मखनी का काफ़ी ज़्यादा अलग है यूजुअली जो दाल मखनी आती है उनसे। यार दाल मखनी एवरेज हो रही है, बट थैंक गॉड उसको कंपनसेट करने के लिए बाकी दो मेन कोर्स के आइटम यहाँ हैं। नान के साथ ट्राई करें, नान तो मुझे लगता है सिर्फ बटर चिकन के लिए बनाया। बटर चिकन या पनीर वाले आइटम्स ऐसा नहीं है, सही है। एक चीज़ की मैं तारीफ करना चाहूँगा जेन्युइनली, बारबेक्यू नेशन की जो भी टीम है जिन्होंने ये सब कुछ मतलब बनाए हैं मीट बॉक्सेस, उन्होंने परफेक्ट बनाया। मतलब उनको पता है कि लच्छे पराठे के साथ सब कुछ बढ़िया लगेगा, लच्छा पराठा दिए, क्योंकि नान के साथ ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं जा रहा है वो। मोर ओवर नान थोड़ा सा चुई हो जाता है ओवर टाइम और हैवी भी हो जाता है, तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने ऑलरेडी मील बॉक्स में इंक्लूड कर रखा है लच्छा पराठा वो बेस्ट है। सोच समझ के क्या है, क्रिस्पी कॉर्न को नहीं रखा है, सोच समझ के रखा है, तो ये चीज़ माननी पड़ेगी उनके। परफेक्ट आइटम भेज रखे हैं उन्होंने। परफेक्ट आइटम मील में रखे हैं लो भाई। आगे सिम्बा का नाम लिया सिम्बा हाजिर, ये गाढ़ा गाढ़ा रायता भी यार। आई एम जस्ट लविंग द पनीर। थोड़ा मेरे लिए बचा कर रखो, बुरा ना खा जियो, बिरयानी टेस्ट करो पहले। वेज बिरयानी से जितनी उम्मीद कर सकते हो उतना तो है। लेट्स सी ये कैसी है। सही है, मतलब वही वेजीज का टेस्ट आ रहा है, वेजीज भर भर के डाल रखी है। बाकी तो नॉन वेज बिरयानी भी ठंडी होकर कोई खास नहीं रखती है मुझे, मगर पर्सनली पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है वेज बिरयानी से। पुलाव रायते के साथ, रायते के साथ और थोड़ा सा प्याज, थोड़ा हरी चटनी हो और उसमें घी डाल के खाओ। बस उसमें तो कुछ डलता भी नहीं, आलू डालते हम लोग तो, ज़्यादा से ज़्यादा मटर भाई बेहतरीन होगा बिरयानी, क्योंकि बहुत वो है जैसे इसने बोला ना बनाना टफ है, क्योंकि उसमें पहले सब्जियां अलग से बनाओ, चावल जो जितना भी थोड़ा बहुत कुक करो या ना करो उसमें लेयरिंग करके फिर करो, उसमें अंदाज़ा नहीं आता। पुलाव में क्या सब एक ही साथ बनता है, एक ही साथ सब कुछ रखो ढको, तो वो सही गलत है। भाई मेरा तो हो गया, और जेन्युइनली दिल से ही बात बोलूँगा कि इसे देखो भाई, जरा हटना क्या है, दिल से बात बोलूँगा कि मुझे मील जो ये बॉक्सेस हैं बारबेक्यू नेशन के बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी एक इंसान को अगर डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करने हैं इससे बेटर नहीं हो सकता। दो या तीन इंसान को मतलब अभी मैं सलाल से मिला ना, तो सलाल मेरे को बोल रहा था परसों मेरा बहुत कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मील बॉक्स मंगा दिया, सब कुछ पेड़ डाला। तो हम जैसों के लिए या फिर इवन दो तीन दोस्त हैं अगर, और मतलब एक पार्टी कह लो, ये पार्टी है, सारे आइटम मिल रहे हैं स्टार्टर से लेकर डेसर्ट। रेस्टोरेंट में भी क्योंकि जाओ ज़्यादा दो आइटम तीन आइटम में हज़ार रुपये बिल आ जाता है ना, ये पूरी हज़ार रुपये है, बिल्कुल ऐप क्वांटिटी में आता है, ख़त्म भी हो जाता है और हज़ार रुपये में इतना सारा आइटम आ गया, पेट भर गया मगर मेरा। मैं वैसे कम नहीं खा रहा हूँ भाई लिटरली, कि मतलब मैं विल है मेरी कि मैं कम खाऊंगा, मेरा पेट भर गया है। ये आइटम हटा सकते हो यार बारबेक्यू हलवा, ये सच में यूजलेस है, इसकी जगह आप कुछ और दे सकते हो।
दाल फ्राई दे दो, हम तो दाल फ्राई भी खा लेते हैं। जीरा राइस दे दो थोड़ा, क्योंकि जैसे इसमें दाल वाला आइटम है, जीरा राइस का ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन फिर राइस राइस के दो आइटम हो जाएंगे। तो क्या हो गया, इसको ना मैं दाल के साथ खाऊंगा ना पनीर के साथ, या खाली डब्बा दे दो। ये दो मजे फेंकने में भी बड़ी तकलीफ होती है, चौक करता है सिंह को। रेटिंग किसकी? पनीर बटर मसाला 10/10, कभी नहीं देता मैं किसी को, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मिक्स वेज 9, दाल मखनी मुझे लगी भाई बहुत एवरेज, उसको मैं दूंगा 5। और बिरयानी? ओह आई फॉरगॉट द बिरयानी, 7। पनीर बटर मसाला और मिक्स वेज दोनों मिलने 9.5 थे। सब्ज दम बिरयानी मुझे लगी 7। स्वाद आ गया। आइसक्रीम भी आई है क्या? जान ले लो 1000 रुपए में। हमारे पीछे ही सो गए हैं। बिल्ली को जब अटैचमेंट हो जाता है ना, तो वो अकेले रहना नहीं पसंद करती, फिर वो आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी। मुंगदा ले लो, देख लो ये शक्ल। आए हाय हाय, आए हाय हाय। बस बस छोड़ दो। नाइस लग रहा है मतलब। अच्छा, अच्छी बात है कि बहुत स्वीट नहीं हो रहा है। मेरे को वही चीज़ अच्छी लग रही है इसकी। बढ़िया है भाई। इट्स नाइस। मैं चेहरे से कम आवाज़ें करो यार। मोड़ जाएगा। मैं पैलेट क्लेंस करवाऊंगा, मेरे को भी जरूरत पड़ेगी। पी लो, हो गया मेरा खत्म। या भाई, कि बचपन से ही याद होता है, अपना आइटम पहले पहले खा जाते थे और मैं आराम से बचा के रखता था, तो फिर मेरा खाते थे। अरे भाई इसमें तो बहुत सारी वो है। 8 गुलाब जामुन, चाशनी, 10। मैं जानता था आप कुछ तो गलत कर दिखा तो ऐसे में 3 दिन है, 2 ही दिख रहे हो भाई। मेरा उसमें कोई गलती नहीं है, 4 ने ऐसे 3 में पूरा भोग दिया तीनों के अंदर। क्या देखूं तेरे आईफोन के वो जो कैमरा उसकी तरह नहीं दिख रहा तीन वो। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। चाशनी थोड़ी ज़्यादा स्वीट है अंदर से, तो कुछ कुछ जैसे कच्चे रहते हैं या सख्त होते हैं, वैसे नहीं है भाई, अच्छा है। मैं तो 8 दूंगा, तो मीठे की वजह से 2 नंबर कट गए इसके। मीठी मीठी चीज़ में मैं भी इसको 8 देता हूँ। कैसी बात है, मैं मीठे को मीठे के लिए नंबर काट रहा हूँ, सोच रहा हूँ मतलब कितनी गलत बात है। 7.5 है भाई मेरे लिए, थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है। तो नाउ नेक्स्ट इज, ये क्या, इसका नाम क्या है, कोई ब्राउनी है? चोको ब्राउनी। क्या हो भाई? कुछ नहीं भाई। ये क्या कर रहे हैं आप? ड्राई ड्राई आज एक्सट्रीमली हैवी। ये आइसक्रीम के साथ बढ़िया लगता। वो जो स्पंज होता है ना उसका, थोड़ा गीला गीला हो गया, हलवे जैसा। तो मुझे ड्राई लग रहा था। मेरे को ड्राई नहीं लगा। हाय हाय, दोनों को साथ मेरा लास्ट बाइट मजा आ गया भाई। हमने खत्म करा, इतना बड़ा बाइट खा लिया उन्होंने उसका। मेरे लिए ये 7, 7.5, 7.5, वो भी 7। दोनों सेम प्लैंक पे है, ये और मूंग दाल हलवा। 7, 8, 7। वेज क्या है इसका ना, मिरीना बॉक्स प्रीमियम। मिरीना बॉक्स प्रीमियम का रेटिंग हम देंगे, मगर मैं दूंगा 8। सारी चीज़ों का नंबर ऐसे 7-7 दिए हैं, मैं दूंगा 8। वैल्यू फॉर मनी उस हिसाब से उसको पॉइंट बढ़ेंगे 8, क्योंकि इतने रुपए में इतना वैरायटी और टेस्ट भी अच्छा। मेरे लिए 8.5। मैं जब ऑफलाइन जाके भी खाता हूँ, टेस्ट मेरे को कॉन्स्टेंट लगा है काफ़ी टाइम से। एक उसकी वजह से, एक वैल्यू फॉर मनी, 1000 रुपये में इतने सारे आइटम्स मिल रहे हैं, घर बैठे बैठे आराम से खाओ, यूटेंसिल्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। 7.5 वैसे होता अगर टेस्ट टेस्ट की बात करें, बट इन सब भी चीज़ों को ऐड ऑन करने के बाद 8.5 मेरी तरफ से। डेफिनेटली अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं कराया तो ट्राई करना, तो देखो बनता है। बट बजट वाइज बहुत से 1000 रुपये में 3 लोगों का ईजी खाना है, ईजी। आज के लिए मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल गेट यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।